अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, बी सपोर्टिव। हैप्पी वुमेंस डे। आज मेरे साथ हमारी ग्रुप की बहुत ही प्यारी सी लड़की यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो लड़कियाँ होती ना वो डिजर्ट्स में बड़ा माहिर होती हैं, क्योंकि उनके घर पे जो है ना सिर्फ उनको कहते हैं खाना हम बना रहे हैं, भाई मीठा तुम बना लो, और उनको ये सीख भी होती है, क्योंकि हर एक फैमिली ओरिएंटेड जो फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर ये एक ट्रेडिशन है कि लड़कियों को सबसे पहले मीठे से सिखाया जाए। तो हम बात करेंगे हिना यूसुफ की और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। नाम सही लिया? मेरे दिमाग में जो है ना वो किरण यूसुफ और आयशा यूसुफ चल रही थी। कैसी हैं हिना? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही तो नहीं था कि आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऐसे तो नहीं था कि घर वालों ने बोला भाई नमकीन हम बना रहे हैं, मसालेदार चीज़ें हम बना रहे हैं, मीठा तुम बना लो बेटा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मतलब मैंने प्रोफेशनली ये पूरा कोर्स किया है, आई एम अ प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ सर्टिफाइड। अरे वाह। सो देन आई जस्ट स्टार्टेड माय बिजनेस, नेम हैनस फेस्टिक, और इट्स ऑल अबाउट बेकिंग। इट्स ऑल अबाउट बेकिंग। ऑल अबाउट बेकिंग एंड क्रिएटिविटी इन बेकिंग, क्योंकि बेकिंग जो है वो खुद एक आर्ट है। तो उसके अंदर मेरा एक एम था कि कुछ नया लेके आना है मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर कोई मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी बेकिंग कर रहा है, तो मैंने प्रॉपर इसकी डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद मैंने इसे प्रॉपर ही एक प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट किया। वाओ, तो कोई हेल्पर भी है क्या? सब कुछ स्क्रैच से लेकर एंड तक आप खुद ही करती हैं? ईच एंड एवरीथिंग, इवन के जो मेरी पैकेजिंग होती है, जो बॉक्सेस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं खुद ही बना रही होती हूँ, खुद ही डील कर रही होती हूँ सारी चीज़ें। कितना मज़ा आता होगा ना ये करने में? बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है, और ये बहुत बहुत एक अच्छा काम है, बहुत क्रिएटिव है बेकिंग में। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आप इम्प्रूव करते हैं सारी चीज़ें, बहुत मतलब मज़ा आता है, बहुत मज़े का काम है। तो सबसे अच्छा क्या लगता है डेजर्ट्स में? 3D केक्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े खूबसूरत सी डॉल केक बनाया और क्वीन बनाई है वुमेंस डे, तो वुमेंस के लिए एक बड़ी प्यारी सी लड़की बनाई है साथ इन्होंने बड़े मज़े के। ये क्या चीज़ है, ये वन बाइट क्या है? ये वन बाइट केक्स हैं, जिसमें मैंने जो है आर्टिफिशियल डेकोर, क्योंकि आजकल ट्रेंड है उस चीज़ का, आर्टिफिशियल डेकोर का चीज़ों का, तो उससे मैंने बहुत अच्छे कैचिंग सा लुक दिया है। ये देखें, इन्होंने थीम से रिलेटेड बड़ा खूबसूरत सा बनाया। दैट्स मीन कि आप इनको अपनी थीमेटिक बर्थडे पार्टीज में भी इंगेज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे। और मेरी बेटी क्योंकि आज शूट पर है और वो मज़े थे, क्योंकि एक इसमें से वो खा भी चुकी हैं, क्योंकि ये इतने क्रिएटिव बर्गर्स बनाए इन्होंने। ये केक के बर्गर्स हैं, इन्होंने बाकायदा उसकी स्लाइसिंग की है, और ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो पिज़्ज़ा भी बन सकता है, बर्गर्स बन सकते हैं, ब्रोस बना सकती हैं। जब फूडी पार्टी हो, अगर हमारी पार्टी हो तो वो फूडी पार्टी होगी, तो आप ब्रोस बना सकते हैं, और आप ब्रोस के आप केक पॉप्स बना सकते हैं। बहुत अच्छी, उसमें बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिविटी, जो इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ में किस तरह क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अच्छा, आप बड़ी यंग हैं, तो आपको क्या लगता है जो लड़कियां हैं जो ये समझती हैं कि वो यूट्यूब से और बाकी किसी फूड मैगजीन से बेकिंग करती हैं, तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट एजुकेशन? क्योंकि आपने बताया कि आपने प्रॉपर डिग्री ली और फिर आपने इसको प्रोफेशनली लिया, तो मेरा, क्योंकि मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि पहले पढ़ें उसके बाद डिग्री लें या सर्टिफाइड हो फिर आप काम करें, तो आप ये मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही मैसेज दूंगी कि आप इस जो भी, अगर कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं, तो उसे आप पहले प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएं, प्रॉपर उसको सर्टिफाइड करें, प्रॉपर आप उसकी डिग्री लें, प्रॉपर आप लर्निंग करें। अच्छा, इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव सो मच अमाउंट टू इन्वेस्ट, तो आपके पास बहुत अच्छी, अब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल यूज़ करना आता है सबको, तो आप उन चीज़ों से सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर बने, बी योर ओन बॉस। थैंक यू सो मच हिना, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, और वुमेंस डे में इसी किस्म के मोटिवेटेड जो मैसेजेस होते हैं ना अपनी एज ग्रुप के लिए, बड़े ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर, और हैप्पी वुमेंस डे। और आपको सबको देखेंगे तो आपको बड़ा प्राउड घर वाले फील करेंगे कि वाह ज़बरदस्त। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपकी, आपने मुझे इनवाइट किया, लिटरली इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप इतनी खूबसूरत से ये डेजर्ट्स देख सकते हैं, क्रिएटिविटी में माशाल्लाह लड़कियाँ तो माहिर ही होती हैं, लड़कियाँ तो बनी, अल्लाह ताला का कहते हैं ना कि हुस्न ख़वातीन के अंदर है, और हर चीज़ के अंदर वो क्रिएटिव होती हैं, ताकतवर भी वो होती हैं, पॉजिटिव भी वो होती हैं, और अगर आप अपने काम को लेकर बड़ा आगे और ऑथेंटिक और बड़ा ज़बरदस्त लेके चलें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।